शिक्षा विभाग सुर्खियों में, सैकड़ों ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गुरु ने शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार। आम जनता में भारी आक्रोश। जिला सूरजपुर के शिक्षा विभाग सुर्खियों में है। मिली जानकारी के अनुसार भैयाथान विकास खंड के शिक्षक के द्वारा गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया गया है, जिसके विरोध में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता, जिला प्रभारी, बसपा पूर्व विधायक प्रत्याशी भटगांव सीताराम भास्कर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकारी युवाओं सहित ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार भैयाथान को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले भैयाथान हाई स्कूल ग्राउंड से सभी आंदोलनकारी पैदल मार्च करते हुए शिक्षा विभाग हाय हाय, शिक्षा विभाग होश में आओ के नारे लगाते हुए बस स्टैंड से सूरजपुर रोड होते हुए भैयाथान शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किए और शिक्षक पर विधिवत कार्रवाई करने के लिए प्रतिलिपि में कलेक्टर सूरजपुर, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर, जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है और इस तरीके का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है। उपस्थित आंदोलनकारी में कुशवाहा समाज सूरजपुर के और बसपा जिला अध्यक्ष संदीप कुशवाहा, सर्व आदिवासी के युवा जाबाज कार्यकर्ता राम सिंह, हंस लाल, हेम कुमार, भोला रजवाड़े, सोनू, सुरेंद्र प्रजापति, नोहर सिंह, जयप्रकाश, रामकृष्णा धनेश्वर, रामदेव, अतुल पाटिल, राहुल भास्कर, शिवचरण, जनेश्वर सैनी, महेंद्र, अक्षय, अंबेलाल, पैकरा, धर्मसाय, रजवाड़े, कृपा शंकर, सालिक, अमृत, पतिराम, राजू सिंह, सुनील सिंह, संजू पैकरा, रमाकांत पैकरा, राजेश विश्वकर्मा, मनीष जायसवाल, महेश सिंह, कुतुब अख्तर, संजय जायसवाल व अन्य लोग शामिल रहे। एक ऐसे टीचर हैं जिनका नाम कागजों में मिल जाएगा सर, मैं अपने मुंह से बताने नहीं चाहूँगा। वो टीचर हैं हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पढ़ने वाले गांव गलियों में बच्चे हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का टॉर्चर और मानसिक प्रताड़ित और गुड टच बैड टच वाला जो पुलिस विभाग के द्वारा गांव गलियों में समझाते बजाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि इस तरीके का कहीं पर अगर जुर्म अत्याचार होगा तो आप लोग बताइएगा, उसी तरीके का गुड टच बैड टच वाला जो मामला एक आया है सर जी हमारे भैयाथान विकास खंड के अंतर्गत, और किस गांव में आया है सर वो तो आप लोगों को जानकारी देने के लिए जाएगा, क्योंकि पूरे बातों को उजागर करना सही बात नहीं है सर, क्योंकि बच्ची हमारी समाज से भी है, हमारे गाँव में जो देश की बच्ची है और वो नाबालिग है, इसलिए हम उनका नाम पंचायत ले रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करते हैं सर? हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके का जो टीचर है उन लोगों के ऊपर जो कानूनी जो कार्रवाई है, विधिवत जो कार्रवाई है वो होना चाहिए और ऐसे टीचरों को तो बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि एक गलती करने वाला व्यक्ति का अगर कोई सपोर्ट करेगा तो ये तो सरासर गलत है, और अगर उसका सपोर्ट करेगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा। आज वो इतना बड़ा घटना किया है, हो सकता है इससे भी बड़ा घटना ना कर दे, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले चंद्रगढ़ का हाई स्कूल वाला मामला आया था, उसमें भी टीचर जेल गया और ठीक उसी तरीके का उसी कड़ी का मामला ही आया है। तो इससे आगे मेरे को स्पष्ट रूप से बोलना सही बात नहीं है, और गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का काम हो गया है। ऐसे व्यक्ति को तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और शासकीय जो शासन में जो बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, इन लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए सर। तकलीफ इस बात का है कि हमारे सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री निवास करते हैं और उनके गृह जिले में इस तरीके का घटना होना सर्व की बात है। सुरक्षा विभाग में आपको संदेह है? सुरक्षा विभाग में सर किसका सुरक्षा विभाग सर मैं नहीं समझता, शिक्षा विभाग में सुरक्षा का अभाव आपको लगता है? बिल्कुल, शिक्षा विभाग में सुरक्षा का अभाव ही है, क्योंकि पढ़ाने वाले जो टीचर है ये नशा सेवन करके पढ़ाने जाते हैं, और नशा सेवन करके अगर बच्चों को जा रहे हैं पढ़ाने और समय पे नहीं जाते हैं और जा भी रहे हैं तो इस तरीके का घटना उजागर होगा, ये सरासर गलत है। मैं चाहूँगा जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग उसमें विधिवत कार्रवाई करे, ताकि पुनरावृत्ति दोबारा इस तरीके का घटना उजागर ना हो, इस तरीके का घटना कभी